हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी है तो उसमें आपने एक सीन तो देखा ही होगा कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स थॉर का हैमर उठाते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसे कंट्री का एक ऐसा नेशनल एंथम भी है जिसमें एक वर्ड नहीं है यानी कि एक शब्द नहीं है, फिर भी वो नेशनल एंथम है, तो ये नेशनल एंथम है स्पेन का, जो कि स्पेनिश नेशनल एंथम है जिसमें एक भी वर्ड नहीं है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो कुंभ मेला है वो इतना ज़्यादा डेंस होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि इसे स्पेस से देखा जा सकता है। स्पेस के टेलीस्कोप की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ कचरा काड़ी नहीं बल्कि ये हमारे इंडिया का कुंभ मेला का तस्वीर है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि चांद की सतह पर पानी और बर्फ़ की खोज हो गई है, तो वहाँ शराब लेके नहीं जाना है बल्कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उसकी खोज किसने की। उसकी खोज है कि स्पेस एजेंसी इसरो के सैटेलाइट चंद्रयान वन ने की थी। उसमें लगा हुआ मैप डिटेक्टर से हमें यह पता चला कि चांद पर पानी की खोज इंडिया ने की है। प्राउड टू बी इंडिया। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों अगर आपने आयरन मैन टू मूवी देखी है तो उसमें आपने अगर ये सीन नहीं देखा तो आप शायद तक सिर्फ आयरन मैन को ही देख रहे थे यानी टोनी स्टार को ही देख रहे थे, उसमें एलन मस्क भी थे। अगर आपने उसे देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों अगर आप कोका कोला पीते हैं तो आपको पता ही होगा कि कोका कोला कितना फेमस ड्रिंक है, लेकिन दुनिया में दो ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां आप कोका कोला नहीं खरीद सकते, वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। यहां आप कोका कोला बिल्कुल नहीं खरीद सकते। फैक्ट नंबर सिक्स, अब हम बात करने वाले हैं जारविस के बारे में। जारविस, हाँ जारविस वही जो आयरन मैन का एआई सिस्टम रहता है, लेकिन अगर हम बात कॉमिक बुक की करें तो कॉमिक बुक में यह लिखा हुआ है कि वो जारविस उसका टोनी स्टार का एआई सिस्टम नहीं है बल्कि टोनी स्टार के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो टोनी स्टार के साथ रहता है, उसकी देखभाल करता है। वो एक्चुअल में ह्यूमन बींग रहता है जो कि टोनी स्टार का देखभाल करता है। फैक्ट नंबर सेवन, सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि इस दुनिया में जितने भी साइकिल चलाने वाले लोग हैं अगर वो तीन गुना बढ़ जाए यानी कि इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन साइकिल चलाती है वो अगर ट्रिपल हो जाए तो इस दुनिया में जितने भी बाइक एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे यानी कि लगभग आधे हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप भी साइकिल चलाना शुरू कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फैक्ट नंबर एट, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है तो आप ज़रूर मर्क्यूरी बोलोगे क्योंकि वो सन के एकदम क्लोज है, वो गर्म है ना, पर नहीं, वीनस है सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, इसकी वजह से वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी। फैक्ट नंबर नाइन, आपने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी है तो उसमें आपने एक सीन तो देखा ही होगा कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स थॉर का हैमर, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कैसे उठा सकते हैं, यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वो कैप्टन अमेरिका उस म्यावनेर को उठाने की कोशिश कर रहे थे तब तो वो उठा नहीं पाए, तो फिर एंड गेम में कैसे उठा लेते हैं। तो इसका आंसर रॉसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था कि वो उस म्यावनेर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी उठा सकते थे, उन्होंने उसे हिला भी दिया था लेकिन थॉर की इज्जत रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर उस म्यावनेर को ना उठा पाने का एक्टिंग किया, असल में वो उठा सकते थे बल्कि। और एक फैन थ्योरी ये भी है कि कैप्टन अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट स्टार्क से छुपाया था, उसकी वजह से वो म्यावनेर को उठाने में असफल रहे। फैक्ट नंबर टेन, सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि दुनिया में जितने भी टूरिस्ट हैं वो फ्रांस जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का राज क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक सर्वे में यह पता जरूर चला है कि अधिकतम लोग फ्रांस जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी पसंद करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।